रूस और यूक्रेन के बीच विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। अभी तक तो कुछ देश रूसी राष्ट्रपति से इस हमले को रोकने की बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच पुतिन की पार्टी के विधायक और पटना के मूल निवासी डॉक्टर अभय कुमार सिंह भी इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। जी हां, पुतिन की पार्टी के विधायक अभय सिंह का कहना है कि यूक्रेन को बातचीत के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर युद्ध का निर्णय लिया गया। इंडिया टुडे के साथ बातचीत के दौरान विधायक ने आगे कहा कि अगर चीन बांग्लादेश में अपना सैन्य अड्डा स्थापित करता है तो भारत कैसे प्रतिक्रिया देगा। जाहिर है कि भारत इसे पसंद नहीं करेगा। नाटो रूस के खिलाफ बनाया गया था और सोवियत संघ टूटने के बावजूद यह विघटित नहीं हुआ, यह धीरे धीरे हमारे करीब आ गया। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो यह नाटो बलों को हमारे करीब ले आएगा, क्योंकि यूक्रेन हमारा पड़ोसी देश है। यह समझौते का उल्लंघन होगा। हमारे राष्ट्रपति और संसद के पास कार्रवाई के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। पूरी दुनिया में तनावपूर्ण स्थिति तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब कयास लगाए गए कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले करने की तैयारी में है। हालांकि इस पर पुतिन की पार्टी के विधायक ने सारी बात साफ करते हुए कहा कि परमाणु हथियार अभ्यास करने का उद्देश्य किसी अन्य देश द्वारा रूस पर हमला करने पर जवाब देना था। परमाणु हथियारों के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा की है कि परमाणु अभ्यास केवल उन लोगों को जवाब देने के लिए था जो रूस पर हमला करने की मंशा रखते हैं। यदि किसी अन्य देश ने रूस पर हमला किया तो रूस सभी रूपों में उसे जवाब देगा। अभय कुमार आज से करीब 30 साल पहले यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए थे। आपको बता दें कि अभय बिहार के पटना के मूल निवासी हैं, जिन्होंने रूस के कुसर्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और बाद में रियल एस्टेट और निर्माण के क्षेत्र में अपना व्यापार शुरू कर दिया। जानकारी है कि वह साल 2015 में व्लादिमीर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्होंने साल 2018 में कुसर्क से प्रांतीय चुनाव में जीत भी हासिल की। रोजाना की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे द वोकल न्यूज हिंदी के साथ।